सबसे पहले यहाँ क्या करिएगा, त्रिज्या जब सात सेम है, नौ गो वृत्त है इस वर्ग के अंदर में, तो यहां से मान लो यहां तक नौ गो तो सात, देख लो इधर मिला लो, यहां से यहां सात, तो यहां से कितना आ जाएगा, फिर यहाँ इक्कीस, रही जा सात पचे सात छक, यानी ए बी ए डी का मान कितना हो जाना चाहिए, बयालीस होना चाहिए ना। तो यहाँ पर लिखो कि वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा लिखेगा तो कई वृत्त है, एक दो तीन वृत्त है, तीन वृत्त, तीन अगुणे इसका व्यास कितना हो जाएगा, चौदह ना, तो चौदह तिया वर्ग की भुजा क्या गई। तो आराम से यहाँ लिखो ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, भुजा हो गया बयालीस का स्क्वायर, बयालीस गुणे बयालीस बराबर कितना होगा, एक गुणा करके सत्रह सौ चौसठ सी एम स्क्वायर। यहाँ लिखो नौ वृत्तों का क्षेत्रफल, तो नौ वृत्त है तो नौ गुणे पाई आर, नौ गुणे पाई बाईस बटा सात गुणे कट गया, नौ गुणे एक सौ चौवन हो गया, न चौका न पचे पैतालीस तीन अड़तालीस, नौ गो अचारि गो, तब लिखेगा शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग के क्षेत्रफल के लिए आपको वर्ग के क्षेत्रफल सत्रह सौ चौसठ में आपको तेरह सौ छियासी घटाना पड़ेगा ना, तो तेरह सौ छियासी घट जाएगा, तेरह सौ छियासी जब घटाइएगा तो आ जाएगा तीन सौ अठहत्तर सी एम स्क्वायर,